क्या बात है राष्ट्र, तुझे किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नबी जान इतनी भोली ना बने, आपको नहीं पता मैं इतने गुस्से में क्यों। आश्ता, तू मुझे बताएगी तो पता चलेगा ना। क्यों, औजान ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, क्या बात है? उसने दिलावे से शादी से मना कर दिया है। दिलावे से शादी से इनकार? मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। क्यों किया है? तो जो आपकी पोती है ना आयजा, उसकी वजह से। क्या ऐसा उसने तुझसे कहा है? ना मुझे किसी ने नहीं बताया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ और आप सब लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस बात का हमें नहीं पता उसका तुझे कैसे पता है? क्या इस घर का कोई फर्द तुझे खबरें दे रहा है? ना मुझे कौन खबर देगा? फिर क्या तुझे कोई इल्हाम होता है या ख्वाब में आकर कोई बताता है? नबी जान जो आंखों से नजर आता है ना, उसे कोई नहीं झुटला सकता। तो तूने ऐसा क्या देख लिया है राशिदा? खैर बीजान, आपकी तो ना आंखों पे पट्टी बन गई है। मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ कि मैं दिलावेज को अपने साथ लेके जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपने घर। मगर दिलावेज का तो यही कार उसका अपना कार है। बस बीजान रहने दे, मैंने देख ली अपनी दिलावेज की कदर कीमत इस घर में। राशिदा बैठ कर बात कर। ना बीजान मैं जा रही हूँ, बस बहुत हो गई। ये कब और कैसे हो गया? क्या हुआ माँ? तो तूने अपनी जरूरत का सारा सामान रख लिया? हाँ माँ, मैंने तो जरूरत का सारा सामान रख लिया अपना। बीजान ने क्या कहा? ना वो तो बुढ़िया इतनी मासूम मन रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है माँ उन्हें भी सचमुच कुछ ना पता हो। ना दिलावेज, इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी तू उससे हमदर्दी कर रही है? अम्मा, औजान ने इनकार उनके कहने पे थोड़ी ना किया होगा। ना सब पता है उन लोगों को औजान और आयजा के बारे में। अच्छा आपने क्या कहा? ना मैंने क्या कहना था, मैंने कह दिया मैं दिलावेज को लेके घर जा रही हूँ। अम्मा इसका मतलब हम हार के घर जा रहे हैं? ना राजदा ने कभी हार मानना नहीं सीखा। देखती जा जरा औजान कैसे दुम हिलाता आता है तुझे घर लेने के लिए। राजदा मेरा नाम नहीं। निशान से बात हो रही है? हो तो रही है। घर वालों ने अभी भी पाबंदी लगाई है तुम्हारे में? खूब पाबंदी तो नहीं लगाई, और जिस दिन से वो बात हुई है ना आयजा मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन फातिमा, जिसके दिल में चोर होता है डर तो उसी को लगता है ना, इतना डरोगी तो कमजोर पड़ जाओगी। वो तो क्या कहती है, उसे शान से जाके बाहर मिलूं? अगर तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो और एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो फिर मिलने में क्या हर्ज है? तो क्या चाहती है, इस बार बाबा जान और रोजान भाई भी देख लें और ताकि पूरा सिलसिला ही खत्म हो जाए। देखो अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो घर वालों को शक हो सकता है, और जरूरी तो नहीं है कि तुम बाहर जाओ, घर पे भी तो मुलाकात हो सकती है। वो कैसे?
आजमा तुझे ना बड़ी बीवी बुला रही है। क्यों, वो क्यों मुझे बुला रही है? क्यों का जवाब ना वो खुद देंगी, मुझे क्या पता। उन्होंने बस इतना कहा था शाजमा को बुला के लाओ, तो तू जाके बता दिया। अच्छा ठीक है, तो ये देख, मैं देख के आती हूँ। जान हुंदा सो की करिए। शनाज, तूने आयजा से बात की है? हम सोच रहे थे बीजान के आयजा से बात करने से पहले औजान को सब कुछ बता देना चाहिए। मलक अरबाज, बताना चाहिए औजान को सब कुछ, मगर अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। क्यों, इसमें ऐसी कौन सी बात है बीजान? इसलिए कि मैं देखना चाहती हूं राशिदा क्या करती है। बीजान, हुन किस रद्द अमल का इंतजार करना है? राशिदा तो अपनी तीनू ले गई ना, ते नाल साडे पोते नू भी करो ले गई है। हौसला कर शनाज, जिस तरह राशिदा गई है कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। क्या कर लेना उसने बीजा? जिस तरह का शान और दिलावेज को लेकर गई है, देख लेने दे क्या करती है। क्या कह सकता हूँ बीजा, जैसी आपकी मर्जी। बीजान, तुसी जब भी हुक्म दबोगे ना, मैं आयजा नाल गल कर लांगी। थोड़ा इंतजार कर ले। हक 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 बोल, क्या मसला है तेरा? बाबा जी, मेरे शौहर दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। तो दे दे इजाजत। नहीं बाबा जी, मेरे बात पूरी होने दे। वैसे भी इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है। हक नहीं बाबा जी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी बाबा जी। तो क्या चाहती है तू, बोल। मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, मैं उससे बहुत चाहती हूँ। चली जा। बाबा जी क्या करूं इसको? किसी भी चीज में घोल कर पिला देना उसे, फिर देख इंशाल्लाह एक हफ्ते में तेरे शौहर का उस लड़की से दिल उचाट हो जाएगा, उचाट हो जाएगा। हक हू हक 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 हू हक हू बोल, तेरा क्या मसला? बाबा जी, मेरी बेटी बेवा है और इसका देवर इससे शादी करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसका इरादा बदल गया। समझ गए इसका मतलब है कि वो लड़का किसी और लड़की पे आशिक हो गया है। हाँ बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तू ये चाहती है कि वो दोबारा तेरी बेटी के लिए राजी हो जाए? नहीं नहीं बाबा जी, हम समझ गए, तुम चाहती हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ बाबा जी, बस मैं ही चाहती हूँ कि वो लड़की औजान और दिलावेज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इस तावीज को घोल के पानी दूध किसी भी चीज में दे देना, सब काम हो जाएगा तेरा, सब काम हो जाएगा। हक हू, हक 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 हू। हाय हाय अम्मा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ना क्या गलती हो गई दिलावेस? उन्होंने तावीज किसी चीज में घोल के पिलाने को कहा था ना। हाँ तो फिर? हाय हाय अम्मा, घोल के तो उस वक्त पिलाते जब मैं उस घर में होती, हम तो वो घर ही छोड़ के आ गए हैं। हाय हाय, ना ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? चल तो फिकर ना कर। कैसे फिकर ना करूं अम्मा, ये तावीज तो बेकार हो गया। ना ना, कोई बेकार नहीं हो गया, मैं शाजमा से कहूंगी ना, वो घोल के पिला देगी। अम्मा वो कैसे पिला देगी? उन्होंने कहा था कि वो तावीज मुझे घोल के पिलाना होगा। हाँ ये बात तो है। ना ना तू फिकर ना कर, मैं दोबारा से उनके पास जाती हूँ ना और इस बात का हल पूछ के आती हूँ। लेकिन अम्मा अगर उससे भी कोई काम ना हुआ तो? ना ना ऐसी बात नहीं है, ये मुझे बता रही थी कि बहुत पहुंची हुई हस्ती है और उनके पास कोई ऐसी बात नहीं जिसका हल ना हो। लेकिन अम्मा मैं कह देती हूँ, मैं काशान को किसी सूरत उनके हवाले नहीं करूंगी। ना दिलावेज तू परेशान ना हो, काशान को तुझसे कोई नहीं छीन सकता, तू माँ है इसकी। लेकिन अम्मा मुझे तो धड़का लगा रहता है, बाबा जान इतनी आसानी से काशान को हमारे हवाले नहीं करेंगे। ना दिलावेज मैं मलिक साहब को जानती हूँ, वो अपने खानदान के चश्मो शराब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अम्मा क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? ना इसीलिए तो मैं तुझे उनके पास लेके गई थी। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा, अगर औजान नहीं तो काशान मुझे चाहिए। ना तिलावेस क्यों परेशान हो रही है, औजान भी तेरा है और काशान भी तेरा है, ना परेशान ना हो। चादर उतार, इतनी गर्मी हो रही है, क्यों परेशान होती है? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? अजान तुमने देखा नहीं लोग हमारे बारे में क्या बातें बना रहे थे? वो मैंने सबको क्लियर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अजान हमारी मंजिल जुदा है। चलो जुदाई सही हमारी मंजिल है, मगर तुम कुछ दूर तो मेरे साथ चल सकती हो। जहाँ पे हम अपने माजी को याद कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं है।
हेलो आयजा अम्मी जान ने तुमसे कोई बात की? किस बारे में? मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। अजान मैं तुमसे कितनी बार कहूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब चची जान मुझसे तुम्हारे बारे में बात करने को आएंगी तो इस बात का जवाब मैं उन्हें ही दूंगी। मुझे क्यों नहीं? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती औजान। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो अपनी मर्जी से दिलावे से शादी कर रहे हो ना? कर रहा था लेकिन क्यों? जब अम्मी जान तुम्हारे पास बात करने के लिए आएंगी तो इस क्यों का जवाब भी उन्हीं से ले लेना।